बेटे ने व्रत करना प्रारंभ करा, नियम बना लिया व्रत का नियम। एक बार की बात है, बेटे ने जब व्रत किया, व्रत करते करते दूसरे नगर के राजा ने अपनी बेटी, इकलौती बेटी के लिए लड़का ढूंढने भेजा, तो ये युवराज, ये लड़का मिला, जिसको देखकर अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बुजुर्ग राजा के पास में कोई नहीं था संभालने के लिए, तो पूरा राज ठाट इसको दे दिया। रानी ने अपने पति से पूछा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ में हुई, तुमने पुण्य कौन सा करा था? उसने कहा, मैंने केवल 16 सोमवार का व्रत किया, उसके सिवाय कुछ नहीं किया। उसका पुण्य इतना प्रबल है? हाँ। इतना प्रबल? हाँ। अभी भी तुम व्रत करते हो? हाँ। 16 सोमवार? हाँ। एक बार 16 सोमवार का व्रत का कार्य था, पति ने अपनी पत्नी से कह दिया कि पूजन का सामान लाकर दे दो। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से प्रसाद बनाओ, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से थाली लगाओ, शंकर भगवान की हरताली का तीज का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, चाहे शिवरात्रि का व्रत करो, अपने हाथ से पूजन की थाली लगाना चाहिए, जमाना चाहिए, अपने हाथ से पूजन की थाली को तैयार करना चाहिए, दिया बाती सब अपने हाथ से, अपने हाथ से। और आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे, एक बात जरूर आपसे कहेंगे, अगर आप स्वीकार करेंगे तो। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप जो मंदिर में 6 दिए लेकर जाती हो, उस 6 दिए में जो बत्ती बनाकर ले जाती हो, वो बत्ती बाजार की बनी होने की अपेक्षा रुई से अपने हाथ से बनाकर लेकर जाना, फिर पशुपति व्रत का फल मिले कि ना मिले बताना जरूर। बाजार की बनी बनाई बत्ती, यहां तक पशुपति व्रत में हमने यहां तक कहा कि बाजार का प्रसाद नहीं, अपना बनाया हुआ प्रसाद रखो। बोला था कि नहीं बोला था? जितनी माताएं बेटी बोलो जरा जम के, बोला है ना? अपने मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, खीर बना लो, जो 3 हिस्से कर सको वो बना, अपने हाथ से सिद्ध कर। 6 दियों में जो बत्ती रखो वो भी अपने हाथ से बटी हुई, अपने हाथ से बनी हुई। बाजार की रखोगे, फल कितना मिल रहा है हमको नहीं मालूम, पर एक बार इस शिव महापुराण के कहने से अपने हाथ से रुई को बटकर बत्ती बनाकर 6 दिए में रखकर प्रसाद रखकर पशुपतिनाथ का व्रत जब करो, 6 दिए जमीन पर रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर, 1 दिया जो बिना जला है उसको थाली में रखकर, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस लेकर जब अपने दरवाजे पर दिया लगाओ, अपनी हाथ से बनी हुई बत्ती 5 मंदिर में, 1 अपने दरवाजे पर जब तुम लगाओगे, उसका जो फल मिलेगा आपको सोच से परे होगा, उसका एक आनंद ही दूसरा। रेडीमेड जमाना हो गया, चंदन भी रेडीमेड, बाती रेडीमेड, सब सामान रेडीमेड। 2 चीजें तो अपनी करो खुद की, क्या क्या? 1 पशुपति नाथ का प्रसाद और 1 पशुपति नाथ के मन पूजन में लगने वाली बाती, ये तो अपनी करो। 2 चीजें अपनी हो, 1 प्रसाद 1 बाती, बाती भी अपनी हो, बाती अपनी हो। कितना सुंदर प्रसंग है, स्कंद पुराण का यह प्रसंग आपने पहले भी सुना होगा। एक बुढ़िया के घर में बच्चे नहीं हुए, एक बुढ़िया के घर में उसके बेटे के यहां संतान नहीं हुई, पोते का मुंह नहीं देखा उसने, दुखी रहती थी, सबको गाली देती थी, सारे देवताओं को गाली देती थी, संतों को गाली देती थी, सबको गाली। कोई संत उसके यहां मांगने चले जाए तो वो मारने दौड़ती थी। बुढ़िया एक दिन पोछा लगा रही थी, एक संत उसके यहां मांगने के लिए आ गए। बुढ़िया ने पोछा लगाते लगाते वो पोछा ही उठा के संत को फेंक के मार दिया, ले ये रख ले। पोछा लगाने का पोछा फेंक कर मारा,
उस पोछे को संत ने उठाया, धोया, धुलवाया, धुलवाकर उस पोछे को धुलवाने के बाद उसकी जो चिंदी थी उसको मटकर दिया लगा दिया। आज मालूम नहीं था संत को कि शिवरात्रि है, मालूम नहीं पड़ पाया, उसने बस दिया लगा दिया, भगवान के आगे नहीं, बस प्रकाश करने के लिए उसने दिया लगाया था। जिस झोपड़े में रहता था वहाँ शिवलिंग था, वहीं पर दिया लगा कर बैठ गया। इतने में बाबा देव अधिदेव महादेव ने कहा, सुनो संत देव, जिस स्त्री ने तुमको ये पोता दिया, हमारे यहाँ पोछने वाले को पोता कहते हैं, जिस स्त्री ने ये पोछा ये पोता दिया, उसका दिया कपड़ा मेरे सामने प्रकाश करा है, इसलिए मैं उसके घर में पोता देता हूं। ये पोते का प्रमाण, मैं पोता दे रहा हूं उसके घर, एक पोछे का कपड़ा भी हमको फल दे जाता है। अपने हाथ से आप लोगों ने पशुपति व्रत करे हो और आपको लगता है कि मैंने व्रत करे थे मेरा काम नहीं हुआ, एक बार अपने हाथ से बाती को मटकर भगवान के सामने पांच पशुपति व्रत कर देखिए। रानी से कहा कि मेरा पूजन का सामान भेज देना, अपने हाथ से हड़ताली का तीज की पूजन की तैयारी करो, अपने हाथ से फुलेरे का स्मरण करो, अपने हाथ से पूजन का साहित्य तैयार करो, अपने हाथ। अब संतान, अब यहां उसने अपनी रानी से कहा मुझे सामान ला दो, रानी ने नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज दिया पूजन का। आकाशवाणी हो गई, तेरी रानी ने शिव का अपमान कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया गया, दर बतर ठोकर खाती रही। शिव का आप भजन करो ना करो, रानी केवल नौकरानी के हाथ दासी के हाथ सामान भेज देती चल जाता। रानी ने गलती कौन सी करी? रानी ने केवल एक गलती करी, और रानी ने दासी से कहा जा, मेरा पति तो दिन भर ढोंग और प्रपंच में लगा रहता है, उसमें तो अकल ही नहीं है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्या होता है शंकर जी की पूजन करने से, क्या होता है 16 सोमवार का व्रत करने से? आप नौकरानी के हाथ सामान भेज देते चल जाता, आप दुकान पे से सामान भेज देते चल जाता, पर आप मुख से शंकर की निंदा तो नहीं करते। शिव की निंदा करने वाले की गति क्या होती है ये शास्त्र का। रानी ने निंदा कर दी, दासी ने सामान लाया, पूजन कर दिया पति ने, रानी दर बतर भटकती रही। ऐसी स्थिति रानी की हो गई, पानी को हाथ लगाती थी तो कीड़े हो जाते थे, किसी के यहां काम करती थी तो मटके फूट जाते थे। एक साधु ने देख लिया, एक ब्राह्मण ने देख लिया कि रानी की दशा बड़ी विचित्र, पानी को हाथ लगाती है पानी में कीड़े पड़ जाते। संत ने पूछ लिया, ब्राह्मण जन ने पूछ लिया, ए बेटी तुम अच्छे घर की दिखती हो पर तुम्हारा शरीर, तुम पानी को हाथ लगाती हो तो सरोवर में कीड़े पड़ जाते हैं, तुम कपड़े को छूती हो तो कपड़ा जल जाता है, वृक्ष के नीचे बैठती हो तो वृक्ष में आग लग जाती है, हरा भरा वृक्ष सूख जाता है, तुम आखिर ऐसा क्या है? रानी ने कहा मैंने अपने पति ने पूजन का सामान मंगवाया था, मैंने नौकरानी के हाथ सेविका के हाथ भेज दिया, उससे मेरी ये दशा हुई। संत ने कहा पूजन का सामान किसी के हाथ से भी भेजा जाए ये कभी हो ही नहीं सकता। मां अंदर रोटी बना रही है, दरवाजे पर मांगने वाला कोई खड़ा है भूखा, मां ने अपने बेटे से कहा ले ये रोटी लेकर जा और उसको देकर, बेटे ने रोटी दी तो मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? अरे बोलो तो जमके, मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? मां के हिस्से में पुण्य आएगा क्योंकि रोटी मां ने बनाई है। मां ने कहा बेटा जा रोटी देकर आ, मां के हिस्से में भी पुण्य है और जिसने दिया उसके हिस्से में भी पुण्य है। तो यहां अगर तुमने नौकरानी को भेजा कि यह सामान रख के आओ, पूजन का सामान देकर आओ, तो इतने में तो तेरी ये गति नहीं होना चाहिए थी, तेरे ऊपर इतना बड़ा दोष नहीं होना चाहिए, तेरी ये गति होना ही नहीं चाहिए। तू झूठ बोल रही है कि तूने सामान भेजा तो भगवान नाराज हो गए और मेरे हाथ ऐसे हो गए, मेरा शरीर ऐसा हो गया कि बेकार, ये हो ही नहीं सकता, तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, ये तेरी गति ऐसे नहीं हो सकती।
तब रानी ने कहा, मैंने तो बस यही करा था, नौकरानी के हाथ भेजा था। नहीं, तू याद कर कि तूने करा क्या, तू करी क्या है वो याद कर लेगा। तब रानी ने कहा कि मैं पलंग पर बैठी थी, नौकरानी से मैंने कहा कि तू ये सामान लेकर जा, इतने में मेरा भोलेनाथ नाराज नहीं हो सकता। भोलेनाथ नाराज तब होता है, शिव की निंदा करने वाले को तो भुगतना पड़ता है। केवल तू नहीं, शंकर भगवान की निंदा करी थी देवऋषि नारद ने। देवऋषि नारद ने जाकर कहा था, भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान की निंदा नामदेव उसने नारद ने करी, और शंकर भगवान की निंदा नारद ने करी तो शिव जी ने कहा, नारद तुमने ये बात मुझसे कह दी, पर नारायण से जाकर मत कहना कि तुम ये शब्द मत बोलना कि तुम काम को जीते। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया, नारायण जिस कामदेव को भोलेनाथ नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है, शंकर भगवान जिसको नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से आंसू बह गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं, नारद जी ने निंदा कर दी शंकर जी की, मैंने निंदा सुन ली शंकर जी की, इसलिए ये नारद का सिर तो जाएगा पर मेरा भी सिर कटेगा, ये निश्चित है। वही हुआ, नारद को बंदर का मुंह लगा, रामचरितमानस में लिखा है, और भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी थी इसलिए उनका सिर कटा, तो घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ शंकर भगवान विष्णु। शिव की निंदा करने वाला और शिव की निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। शंकर की निंदा कभी ना सुनो, शंकर की निंदा कभी ना करो, शिव भक्त की निंदा कभी ना करो, शिव भक्त की कभी निंदा नहीं होना, शंकर की निंदा नहीं। गलत कर दिया तूने, तू याद कर तूने कुछ गलती करी होगी। इतने में रानी ने कहा, मैंने गलती केवल एक करी है कि मैंने कह दिया था मेरा पति तो ये ढोंग प्रपंच में लगा रहता है, क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा 16 सोमवार व्रत करने से, मैंने थोड़ी सी निंदा कर दी थी। संत ने कहा, निंदा निंदा होती है, थोड़ी और बड़ी नहीं, इसलिए तू भुगत रही है। अब एक काम कर, शंकर की तू आराधना कर, जो तेरा पति व्रत करता था वो तू कर। रानी ने व्रत करना प्रारंभ करा, रानी ठीक हुई, पति को याद आई, पति उसको लेने के लिए आया, और फिर वापिस राजसी ठाट सिंहासन पर बैठ गए दोनों, फिर बैठ गए।